हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन। अब मैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज परीक्षा 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से बेसिक कंप्यूटर नॉलेज परीक्षा संपन्न हुई है तभी से दोस्तों कट ऑफ को लेकर हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। देखिए इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे 40% नंबर जरूरी है या नहीं, और जो PGDCA वाले हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया उनका क्या होगा, क्या वो बाहर होंगे, कट ऑफ को लेकर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर नॉलेज परीक्षा से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 40% क्राइटेरिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए 40% नंबर लाना जरूरी है या नहीं न्यूनतम, दोस्तों ये देखिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी कंप्यूटर नॉलेज से, कि वहाँ दोस्तों कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि 40 या 35% SC ST के लिए नंबर चाहिए। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि जो ये भर्ती होगी दोस्तों राजस्थान शिक्षा नियम 2021 के जो भी नियम है उन्हीं के आधार पर भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस जो विज्ञप्ति में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 40% न्यूनतम लाना जरूरी है या SC ST के लिए 35% चाहिए। लेकिन जो हम देखते हैं दोस्तों, जो राजस्थान सेवा नियम है 2021 के, उनके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 है। अब देखिए यहाँ दोस्तों हम चलते हैं नीचे पॉइंट नंबर 28 की तरफ चलते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 28 की तरफ चलते हैं और आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो आयोग बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी की जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त तो रखे लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उनमें नियुक्ति प्राधिकार को अग्रेषित करेंगे। आयोग बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को सिफारिश नहीं करेंगे। देख सकते हो साफ साफ अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा। तो दोस्तों आप साफ साफ देखते हो 40% यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए SC ST के लिए भी साफ साफ लिखा है परंतु के अंदर दे रखा है यहाँ कि जो उपयुक्त यथा नियम 5% अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए दोस्तों यहाँ 5% की छूट दी गई है। SC ST के लिए 5% की छूट दी गई है, मतलब इनको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो राजस्थान सेवा नियम के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ 35% और 40% नियम लाना अनिवार्य। लेकिन देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो अभी तक स्टूडेंट्स के दोस्तों 35% और 40% नंबर काफ़ी मुश्किल से आ रहे हैं सेकेंड पेपर में। तो दोस्तों हो सकता है इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है और इसको घटाकर और भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए अभी इसी आधार पर कट ऑफ के बारे में बात करें तो दोस्तों आपके न्यूनतम सभी कैटेगरी की बात करें तो 40% नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप सेफ जोन में माने जा रहे हैं। ST ST के SC ST की बात करें तो यहाँ 35% न्यूनतम रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कम्युनिटी टैब में हमारे द्वारा एक पोल क्रिएट किया गया है, वहाँ जाइए और सभी उसमें भाग लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हुई 40% की बात, अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अब देखिए बात कर रहे हैं दोस्तों PGDCA वालों के लिए। दोस्तों अभी तक PGDCA वालों का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, और साफ साफ विज्ञप्ति में दिया हुआ था कि अगर PGDCA वालों का दोस्तों जो एग्ज़ाम लगती है उससे पहले रिजल्ट नहीं आता है। कल दोस्तों एग्ज़ाम थी, अगर कल भी रिजल्ट आ जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन दोस्तों अब तक रिजल्ट नहीं आया। तो जिनका रिजल्ट नहीं आया दोस्तों ऐसे 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट है। ठीक है, तो वह क्या बाहर हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो जो नियम मिले हैं दोस्तों उनके आधार पर तो दोस्तों वह भर्ती से बाहर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है उन्हें मौका दिया जा सके, कोई अपडेट किया जा सके, संशोधित किया जा सके, हो सकता है रिजल्ट आने तक उनका संशोधन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक वो भर्ती से बाहर हैं। तो दोस्तों कोई भी नई अपडेट आती है PGDCA को लेकर तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑफिशियल आंसर की भी दोस्तों जल्दी अपडेट आने वाली है, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा।